मैं 1 साल से घर पर बैठा हुआ था मैम, जॉब नहीं लग रही थी, तो सीएम का इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और प्लेस हो गया, तो अच्छा फील हो रहा है। तो अच्छा हो गया, बहुत हैप्पी हो गया सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। इंट्रोड्यूस मी अबाउट योरसेल्फ। माय नेम इज राजू कुमार शर्मा, आई एम फ्रॉम बिहार। आई कंप्लीटेड माय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एमटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेटर नोएडा। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। हाउ डू यू कम टू नो अबाउट सीएमटीआई? मैम, आई गॉट टू नो अबाउट सीएमटीआई वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज लिविंग इन बेंगलोर मैम। I came to know about CMTI Institute, and my friend got placed from CMTI Institute. Oh, that's great. Your friend got placed in CMTI, so you came to know about CMTI regarding your friend. Yes. Yeah, that's great. So, what is your learning like? Which you was learning in CMTI, no? So, how did you know that Advanced Construction Management course will help you out? Because ma'am, in advanced construction management course there are various courses ma'am, like quantity surveyor, planning engineer, okay, bar bending schedule ma'am, okay, and interior in construction, okay, and other emerging technology like how the beam is used in construction and green building in construction. That's why I want to explore my learning in all field ma'am. That's why I joined. Okay, that's great. So like multiple job opportunities there, so you want to study this advanced construction management course? Yes. Okay, so you can speak few words in Hindi, so that will help you our India audiences to understand that how advanced construction management course helps you in many ways. आप हिंदी में बात कर सकते हैं सर। एडवांस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में बहुत सारी आप क्या क्या सीखा है उसमें? एडवांस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में बहुत सारी कोर्सेस है मैम, जैसे क्वांटिटी सर्वेयर, बार बेंडिंग शेड्यूल, प्लानिंग बाय प्राइमेरा सॉफ्टवेयर, इंटीरियर इन कंस्ट्रक्शन, ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो ये सारे कोर्सेस हमें मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है मैम। ओके, मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप फील्ड में भी कुछ भी सीखा है ना, कैसे एक्सपीरियंस हो गया वो भी बता सकती है ना? तो इसमें बार बेंडिंग शेड्यूल में मैम एक पूरे बिल्डिंग का कैसे बार बेंडिंग शेड्यूल कंपनी में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे मतलब सिखाया जाता है मैम यहाँ पे। और क्वांटिटी सर्वेयर, बिकॉज मैम अगर कंपनी में फ्रेशर ज्वाइन करते हैं मैम, तो उसमें अगर जॉब लगती है तो उसमें क्वांटिटी जो इस्टीमेशन होता है वो समय लगेगा सीखने में मैम। तो यहाँ पे मैम टीचर एक्सपीरियंस टीचर है, तो 1 to 2 months में आप पूरी नॉलेज ले सकते हैं मैम क्वांटिटी एस्टिमेशन का। एंड अगर सीख लेते हैं तो उसके बाद से ज्वाइन करेंगे कंपनी में, तो आपका जो पोजीशन होगा वो चेंज होता रहेगा। या तुम ऐसी पढ़ा है, आपको एक्सपीरियंस भी अच्छी मिल सकती है ना? सो दैट व्हाट इज योर पॉइंट, राइट? ओके, फ्रॉम एकेडमिक लर्निंग व्हाट इज द डिफरेंट लर्निंग यू आर लर्निंग इन सीएमटी? इन हिंदी मैम? या यू कैन स्पीक इन हिंदी। एकेडमिक लर्निंग मींस हमारा वो लर्निंग है ना, वो दूसरा वो पढ़ाई का लर्निंग, वो दूसरी सीएमटीआई का कोर्स मटेरियल का कुछ डिफरेंस हम पूछ रहे हैं। एकेडमिक कोर्स में मैम जो सिविल इंजीनियरिंग में जो वर्क होता है उसको मैम पढ़ाया नहीं जाता है मैम, जैसे क्वांटिटी सर्वेयर, बार बेंडिंग शेड्यूल नहीं पढ़ाया जाता है। तो बिना प्रैक्टिकल नॉलेज से हमें जॉब लेने में दिक्कत होती है मैम, इसलिए मैम फ्रेशर इंजीनियर को जॉब नहीं मिलती है। तो इंजीनियरिंग करिकुलम में मैम उसमें जो प्रैक्टिकल यूज होता है वो कोई भी चीजें मैम पढ़ाया नहीं जाता है मैम, इसलिए
ओके हाउ डिड यू क्रैक द इंटरव्यू, आप कैसे क्रैक किया इंटरव्यू में? क्रैक मैंने जब वहाँ पे सीएमटी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया है तो अशोक सर हैं, वो मुझे एक स्मॉल प्रोजेक्ट, इंटीरियर डिजाइनिंग का स्मॉल प्रोजेक्ट यहाँ पे नज़दीक में चल रहा था मैम, तो वहाँ पे मैं हम एक दो आवर्स स्पेंड वहाँ पे करता था मैम, तो वहीं से नॉलेज मिला और उस नॉलेज को इंटरव्यू में फेस किया और उस वहीं से क्रैक कर दिया मैम। ओके यू कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस हाउ सीएमटीआई सपोर्टेड इन प्लेसमेंट फॉर यू? हाउ दे आर सपोर्टिंग यू नो, सो हाउ वी आर सपोर्टिंग यू टिल यू गेट प्लेस्ड एंड इंटरव्यूज एंड दीस थिंग्स? मैम यहाँ पे सारी जो फैकल्टी है वो बहुत सपोर्टिव है मैम, वो इंटरव्यू में जाने के पहले कैसे मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन किया जाता है हम उसके बारे में पहले बता दिया जाता है, उसी हिसाब से अपना तैयारी करके इंटरव्यू में क्रैक हो जाता है, इजीली क्रैक हो जाता है मैम। ओके so you feel our you are feeling this which you learn the course, no? That was very fine. Any yes. issues you are facing or there is no any issues? No issue ma'am. Yeah, there is no any issues, you are feeling very comfortable. Aap bahut comfortable hai course mein padhne ke. Okay, so because of your friend you got reference and you have studied, so finally you got placed, that's correct? Yes ma'am. Yeah. How is your feeling and how did you feel right now?